सो जी आज है आपने ही हमें सबको बताना है कि बेचारे दूल्हा जो है उनको भी उनके ऊपर भी कुछ रोशनी डालें, उनको भी हम कोई लिफ्ट कराएं, क्योंकि सबसे आखिर में उनका नंबर आता है। आपके पास जब ऑर्डर्स प्लेस करने आते होंगे तो बहुत देर में आते होंगे ना? नहीं, अब याद आया, अब बहुत अवेयरनेस आ गई है। दूल्हे दो दो तीन तीन महीने पहले हमारे पास आते हैं बुकिंग करवाने, क्योंकि अब वो सिंपल प्लेन शेरवानीज नहीं पहन रहे, लोग हैवी शेरवानीज पहन रहे हैं, और अब मर्द हजरात भी जो हैं काफी इंटरेस्ट लेते हैं अपने आउटफिट में। अच्छा, तो ये चेंज आ गया भाई। एग्जैक्टली, ये बहुत चेंज आ गया। एंड और कढ़ाई से नहीं भाग रहे, कढ़ाई से नहीं भाग रहे। हाँ, एक जमाने में तो तक नहीं कढ़ाई वाला नहीं। पहले तो जस्ट एक कॉलर और बैंड जस्ट ये कढ़ाई करते थे, अब तो पूरी पूरी शेरवानियां जो है फुल पूरा आउटफिट जो है देखें आप, थ्रो काम हुआ है, फुल हैवी काम, बट काम लाउड नहीं है, इट्स नॉट सटल है, सेल्फ है, मिक्स कलर्स नहीं है, ज्यादा पॉप अप नहीं हो रहा, ओवरडू नहीं हो रहा है। अच्छा, अब हम बाकी भी ये तीन शेरवानी तो हमने दिखा दी मैनेकिन्स पे, अब हम दिखाते हैं बाकी दूल्हा जो यहाँ आ रहे, जो समीर साई ने डिजाइन की हुई हैं शेरवानियाँ उनके साथ, ये कुला कहते हैं ना इसके ऊपर, कुला कहते हैं टर्बन, टर्बन भी, हाँ टर्बन जी। तो इनकी भी अलग अलग किस्में होती ना, कोई वो एक वो पंजाबी टाइप फेस वाइज करते हैं ना, हाँ। जिसका फेस कट होता है उसके अकॉर्डिंगली हम वो टर्बन देते हैं। जैसे अभी शहरोज कह रहे थे ना कि इस व्हाइट वाले पे मरून अच्छा लगेगा, मैंने बोला था आपको कि व्हाइट के साथ मरून ज्यादा अच्छा लगेगा, मरून एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और देखिए जिस तरह इन्होंने कैरी किया हुआ है, बहुत स्मार्ट कैरी किया हुआ है इन्होंने, तो ये एंग्री यंग मैन लग रहे हैं। अच्छा, अब ये इसको क्या कहते हैं, अल्लाह हमारी लाइट है। नहीं, ये भी बहुत देखे ना, ये ये ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल है, ये पंजाब में मैंने देखा है ज्यादा, ये पंजाब में बहुत लोग पहनते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये एचएसएन खैबर पख्तूनख्वा में भी, ये खैबर पख्तूनख्वा में भी है, बट पंजाब में ज्यादा पहनते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये वाली जो देखे, ये एक जो है ना, ये हर कोई कैरी नहीं कर सकता। अब आपने मुझे बताना है कि ये किस कद के लड़कों पर अच्छी लगेगी ये वाली, क्या कहते हैं इसे, ये टर्बन। नॉर्मली जो मिड हाइट के लोग होते हैं हम उनको ये रिकमेंड करते हैं ताकि वो टॉल लगे। एग्जैक्टली, इससे वो टॉल लगते हैं तो हम वो रिकमेंड करते हैं। जो टॉल है उनको आप मना कर देते हैं? नहीं नहीं, उनको हम इस तरीके की टर्बन रिकमेंड करते हैं, जैसे इसकी हाइट है तो ये फ्लैट है, ये सही लगता है, वरना वो और टॉल लगता है। और ये इसको क्या कहते हैं, ये वाली जो है, ये सेम वही पैटर्न है, बट इसकी हाइट बहुत छोटी है। अच्छा, तो जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं ना जो कहते होंगे हमें इतना वो नहीं चाहिए, शेरवानी कितनी प्यारी, हाँ, वो पता भी नहीं चल रहा क्योंकि व्हाइट नहीं है और व्हाइट में ही काम हुआ हुआ है, सो वो सटल लग रहा है, लेकिन उससे वो टर्बन भी उठ रहा है और जो दूल्हा है वो खुद भी एग्जैक्टली नजर आ रहा है, स्टैंड आउट कर रहा है, कोई भी नॉर्मल दूल्हा भी ये पहन सकता है। ये जो छोटे आपने बताया टर्बन, ये किस हाइट के लोगों के लिए, तो मिडिल हाइट के लिए सबसे बेस्ट है ये। कुछ लोगों को चाहिए होता है कि हमें हाइट भी चाहिए टर्बन की, बट नहीं ज्यादा नहीं हो, तो मिडिल हाइट वालों के लिए बेस्ट है। सो ये वाला बहुत, मतलब लाइक ये धागे का काम है ना? नहीं, पूरा कोरे तबके का काम है। अच्छा, मरोरी का काम है इसमें, इसमें कढ़ाई है लेकिन वो एक चीख नहीं रही, कढ़ाई लाउड नहीं है, बिल्कुल लाउड नहीं है, सटल है, आप इजीली कोई भी इसे कैरी कर सकता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब कलर्स, अच्छा अब देखिए कलर्स का भी होता है, जैसे हम खवातीन में होता है कि नेवी ब्लू मेरे ऊपर नहीं सूट करता, मैं बहुत डल लगती हूँ, मरून जो है वो बहुत अच्छा लगता है, जैसे हम लोग भी अपने कॉम्प्लेक्शंस के हिसाब से कलर देखते हैं हर किसी के, और देखना चाहिए बिल्कुल। आई थिंक लड़कों में भी होता है, कलर बहुत मेन पार्ट रखता है, अगर आप राइट कलर ना पहने तो आई थिंक आपकी वो ब्यूटी या वो पर्सनैलिटी इतनी एनहांस नहीं करेगी। एग्जैक्टली, तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप मर्दों की कॉम्प्लेक्शंस के हिसाब से कैसे अंदाजा लगता है कि ऑफ वाइट या वाइट, वाइट की भी तो शेड्स हैं, ब्लैक या ब्राउन या मरून, क्या कलर्स, नेवी ब्लू, इतने सारे और कलर्स हैं। जैसे किसी का फेयर कॉम्प्लेक्शन है वो तो कोई भी कलर इजीली कैरी कर सकता है और वो कोई भी कलर उस पे सूट करता है, जहाँ कहीं मिड डार्क किसी का टोन आता है फेस का, लड़के तो टॉल डार्क एंड हैंडसम वाली चीज है ना, वो अच्छे लगते हैं। बट अगेन अनफॉर्चुनेटली शेरवानी में आप जब आते हैं तो बहुत बाउंड हो जाते हैं, जब किसी का डार्क टोन होता है तो हम उसे ऑफ वाइट व्हाइट्स पे नहीं ले जाते, उसका कॉम्प्लेक्शन और डार्क लगने लगता है, तो हम उसे जैसे ब्लैक है,
मिडनाइट नेवी ब्लू है, डीप मरून है, वो कलर सजेस्ट करते हैं। उससे आपका अपना कॉम्प्लेक्शन भी और उठ के ज्यादा एनहांस हो जाता है। हाँ, अच्छा, वो बहुत अच्छी लुक आती है फिर। ओके, जैसे आप देखिए ये ब्लैक है, इट्स ऑल ब्लैक। हाँ, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। हाँ, जूते भी ब्लैक हैं, ऑल ब्लैक, कंप्लीट ब्लैक। उसपे काम है लेकिन वो ब्लैक पे ही है, ब्लैक ऑन ब्लैक काम। अगर उसमें गोल्डन सा काम हुआ होता तो थोड़ा सा हमें लगता कि सिमिलर हो रहा है, बट वो काम है लेकिन वो ब्लैक पे ही है, ऑल ब्लैक है। अच्छा, जो जैसे लाइक एक एज खातून मेरी एक आंखों को जो चीज खलती है, जैसे ब्लैक शेरवानी के नीचे व्हाइट जो पैंट्स या पजामा पहना होता है, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। आई डोंट नो व्हाई। नहीं नहीं, बिल्कुल वो अजीब ही, क्योंकि वो कट करता है कलर को, इतना शार्प कट नहीं करना है, कलर ब्रेक करता है इसलिए, बट वो अजीब ही लगता है समटाइम्स। और ज्यादातर लोग आप नोट करें ऐसे ही होता है, ब्लैक शेरवानी के नीचे उन्होंने व्हाइट पजामा या व्हाइट ट्राउजर्स पहने, वो मुझे भी नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल ऑफ लगता है वो। उससे नुकसान क्या होता है, कलर कट करने से क्या नुकसान? कलर कट करने से नुकसान ये होता है कि एक तो आपकी पूरी अटायर की लुक जो है वो डैमेज होती है। लेट्स सपोज अगर मैं इसे व्हाइट ट्राउजर दे देता तो ये इतनी ग्रेस और इतना एलिगेंट नहीं लगता, हमें लगता कि हाँ कुछ मिसिंग है। और ये शेरवानी भी बहुत पॉप अप होके आती है, तो दुल्हन का जो शरारे का धागा है ना वो लटक गया तुम्हारे, इसलिए मैं ये भी प्रॉब्लम होती है, वो उलझन होती ना खवातीन को। अच्छा, तो आप ये कहते हैं कि लाइक हाइट भी तो छोटी लगती होगी ना इससे, अगर आप कलर कट करते हैं हाइट नहीं छोटी लगती? नहीं नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो हाइट छोटी लगती है, बट अगेन हाइट छोटी लग सकती है आपकी शेरवानी की लेंथ से। अगर जैसे इनकी शेरवानी सबकी देखें अबव द नी शेरवानी की लेंथ है, अच्छा, कोई ब्लो द नी नहीं है, आई थिंक दिस इज स्टैंडर्ड और ये बहुत क्लासिक लगती है। ब्लो द नी में क्या होता है, जो पुराने जमाने में हम शेरवानी रखते थे, दूल्हा जो ना थोड़ा शलवार होती थी उसके नीचे, शलवार होती थी फिर दूल्हा और छोटा लगने लगता था, हालांकि उसकी हाइट नॉर्मल भी हो स्टैंडर्ड भी हो फिर भी वो छोटा लगता था। नहीं, अगर किसी की हाइट जावेद शेख जैसी है जी, तो लंबी शेरवानी तो वो पहन सकता है। हाँ, क्यों नहीं पहन सकते हैं, अगर नी तक या नी से थोड़ा, आई थिंक नी तक हो और अच्छी, ज्यादा उसकी लुक, ज्यादा छोटी नहीं पहन सकते, ज्यादा छोटी नहीं, नहीं नहीं। अच्छा, मैंने कुछ लोगों को देखा है, कुछ लोग घेर वाली सलवार के साथ देखते हैं, नीबी शेरवानी है, वो क्या कहते हैं फिर? वो शॉर्ट शेरवानी आ जाती है, वो कट ही डिफरेंट हो जाता है, प्रिंस कोट, प्रिंस कोट कहते हैं ना, प्रिंस कोट पर और छोटा हो जाता है, वो और छोटा हो जाता है, वेस्ट लाइन तक आ जाता है वो शॉर्ट शेरवानी। वो क्यों पहनते हैं लोग? शेरवानी में तीन कट्स होते हैं, तीन लेंथ्स होती है, एक होती है शॉर्ट शेरवानी, एक होती है क्लासिक जो ब्लो द नी जाती है, एक होती है अबव द नी। ओके, तीन डिफरेंट कट्स हैं, अकॉर्डिंगली टू हाइट हम सजेस्ट करते हैं। अब सबकी चॉइस भी होती है, जिसको जो पसंद आए इस तरीके से। अच्छा, जैसे हम लोगों के जो कपड़े होते हैं शरारे गरारे, उसमें भी चलने का एक तरीका होता है, ठीक है ना? हमें तो बड़ा बताया जाता है, खवातीन को स्पेशली ट्रेन किया जाता है इसको इस तरह फुटबॉल की तरह किक मार के चलना। लड़कों के लिए भी तो कुछ होता होगा जो आप गाइडलाइन देते होंगे कि भाई शेरवानी पहननी है तो ऐसे बैठना है, इस तरह चलना है, नहीं? So, बिल्कुल बिल्कुल, सारा काम होता है आप कैरी कैसे करते हो, हाउ यू कैरी। अगर हमें बताएं ना जरा, एक स्टैंडर्ड सिंपल शेरवानी भी हो, आप प्लेन ब्लैक शेरवानी भी ले लें, अगर उसको अच्छे तरीके से कैरी करें तो वो बहुत स्टैंड आउट करती है। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।